नमस्कार, ग्रैंड न्यूज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साधना सिंह। खबरों की शुरुआत से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत जनता से रूबरू हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की दी सौगात। आरक्षण की मांग को लेकर आदिवासी समुदाय ने केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। एसआर हॉस्पिटल और पहला जानी आईबीएफ सेंटर के संयुक्त तत्वाधान में निशुल्क परामर्श शिविर का हुआ आयोजन। मंत्री अनिला भेड़िया ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर साधा निशाना, कहा कि छत्तीसगढ़ में किसके लिए आए थे हुंकार भरने। अब खबरें विस्तार से। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता को करोड़ों रुपए के सौगात दिए। आज अपने तय कार्यक्रम भेंट मुलाकात के तहत मुख्यमंत्री डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम घुमका और बेलगांव में क्षेत्र की जनता से रूबरू होकर बातचीत किए। भूमि पूजन के बाद मंच से देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी याद किया और उनके बारे में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नेहरू का वृत्तांत सुनाया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरएसएस के चीफ मोहन भागवत के छत्तीसगढ़ के दौरे को लेकर बड़ा बयान दिया। भूपेश बघेल ने कहा कि 15 साल लगातार बीजेपी की सरकार रही, डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे, सबसे ज़्यादा चर्च उनके कार्यालय में बने हैं। यदि मोहन भागवत को चर्चों की सूची चाहिए तो मैं उपलब्ध करा देता हूँ। मोहन भागवत को छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के बारे में गलत जानकारियां दी जा रही है। तो वहीं भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि 15 सालों तक बीजेपी की सरकार और रमन सिंह ने सिर्फ और सिर्फ आम जनता के साथ साथ महिलाओं को, युवाओं को और किसानों को ठगने का काम किया है। बीजेपी सिर्फ ठगने का काम करते रही है, 15 सालों तक बीजेपी की सरकार रही। मोहन भागवत के चेले डॉक्टर रमन सिंह ने जनता को खूब चूना लगाया है। कार्यक्रम में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर, भिलाई विधायक देवेंद्र यादव सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। हमें जहाँ शासकीय योजनाओं की जानकारी दी जाती है, वहीं बहुत सारी ऐसी बातें सामने आती है जिससे लोग लाभ से वंचित रह जाते हैं। जिसमें जैसे पारधी समाज है, उसे जाति प्रमाण पत्र बनाने में बड़ी दिक्कत है। चिन्हित ही तहसीलों में या जिलों में बन पाता है, सभी जगह नहीं बन पा रहा है। तो मैंने निर्देशित किया है कि इसे शासन स्तर पे इसका निर्णय लिया जाए और पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ भी पारधी रहते हैं उसे अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र दिया जाए। और उसके साथ साथ यहाँ बहुत सारी घोषणाएँ भी हुई, विधायक जी ने जो डिमांड की, चाहे नगर पंचायत घूमका को नगर पंचायत बनाने की बात है, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोलने की बात है, सहकारी बैंक की शाखा खोलने की बात है, नहर लाइनिंग करने की बात है, वो सब घोषणा किया, उसे हम लोग स्वीकृत किए। 32% आरक्षण को लेकर लगातार आदिवासी समाज है, सड़कों पे आ रहा है। देखिए, जब हमने कह दिया है कि ये भारतीय जनता पार्टी के पापों को हम लोग धो रहे हैं और उसके कारण से इसे सुधार करने के लिए अब 1 और 2 तारीख को विशेष सत्र बुलाया गया है और इसे ठीक कर लिया जाएगा। आरक्षण की मांग को लेकर ओबीसी समुदाय के लोगों ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश ओबीसी संगठन द्वारा आज राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। हमारी जनसंख्या देश और प्रदेश में 52% पिछली जनगणना के अनुसार है। जनसंख्या के आधार पर हमें आरक्षण प्रधान सरकार को करना चाहिए। केंद्र सरकार ने सन 1994 से 27% आरक्षण लागू किया है, लेकिन राज्य सरकार ने 14% आरक्षण ही दिया जा रहा है। तत्काल विधानसभा सत्र में प्रस्ताव पारित कर 27% आरक्षण हमें भी देना चाहिए। केंद्र सरकार से मांगे हैं कि जनसंख्या के आधारित पर जनगणना होनी चाहिए। बहुसांख्यिक ओबीसी समुदाय को आबादी के अनुरूप हिस्सेदारी आरक्षण प्रदान नहीं करने के कारण प्रदेश की ओबीसी समुदाय के समुचित विकास एवं उत्थान में असीम नुकसान हो रही है। वहीं रायपुर में आगामी 22 तारीख को भव्य रैली के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। कई महीनों से सरकार को इस विषय पर ध्यान आकर्षित कराया जा रहा है, लेकिन सरकार के द्वारा अब तक कोई पहल नहीं की गई है। अब हमारी मांगों को लेकर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदेश ओबीसी समाज संगठन के द्वारा आज राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया था। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय में कलेक्टर को यह ज्ञापन सौंप रहे हैं। उनके माध्यम से यह ज्ञापन
राज्यपाल और मुख्यमंत्री के समक्ष पहुंचेगा। हमारी ज्ञापन के अनुसार यह मांग है कि हमारी जनसंख्या देश में और प्रदेश में 52% है पिछली जनगणना के आधार पे, तो हमें जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण सरकार दे। दूसरी डिमांड यह है कि केंद्र सरकार में 94 से 27% ओबीसी आरक्षण लागू है, राज्य सरकार में 14% आरक्षण दे दिया जा रहा है, उसे तत्काल विधानसभा सत्र में प्रस्ताव पारित करके 27% आरक्षण लागू करें और हमारी जनसंख्या के अनुपात में हमें पूर्ण आरक्षण अन्य समाज के भांति हमें भी प्रदान करें। ये हमारी मूल मांग है और इसके बाद 22 तारीख को हमारी यही ज्ञापन ओबीसी समाज की अब जाग रहा है, वो रैली के माध्यम से सरकार को जगाने का कोशिश करेंगे और ज्ञापन सौंपेंगे। ये हमारी प्रोग्राम है और हम लोग हर महीना इसी बात को कई साल से सरकार को ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि ओबीसी को उनकी जनसंख्या, उनकी गरीबी और उनकी सामाजिक स्तर को देखते हुए संपूर्ण आरक्षण दिया है और अवसर प्रदान करें ताकि वह भी आम नागरिक और सामान्य जन के भांति विकास उत्थान की धारा में आगे बढ़ सके। ये हमारी डिमांड है। मैं TR साहू जिला अध्यक्ष हूँ ओबीसी महासभा संगठन के। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के परिसर में 1 नवंबर से 15 नवंबर तक निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया था। शिविर में विभिन्न बीमारियों की जांच और उपचार में विशेष छूट का प्रदान की गई थी। 15 नवंबर को शिविर के अंतिम दिन निसंतान दंपतियों के लिए पहला जानी IVF सेंटर और SR हॉस्पिटल चिखली के संयुक्त तत्वाधान में एक शिविर आयोजित किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में निसंतान दंपति उपस्थित हुए। यहां सभी प्रकार की जांच निशुल्क प्रदान की गई। शिविर में दुर्ग जिला ही नहीं अपितु अन्य जिलों से भी महिलाएं उपस्थित हुई। परीक्षण कराने आए लोगों के लिए अस्पताल प्रबंधन द्वारा व्यापक व्यवस्था में उपलब्ध कराई गई थी। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के चेयरमैन संजय तिवारी ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर अस्पताल प्रबंधन द्वारा निशुल्क चिकित्सा शिविर का 15 दिवसीय आयोजन किया गया था। 15 नवंबर को महिलाओं के लिए विशेष शिविर आयोजित किया गया जिसमें अनेक निसंतान दंपत्ति उपस्थित हुए। नमस्कार, मैं संजय तिवारी चेयरमैन SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के पावन अवसर पर 1 नवंबर 2022 से 15 नवंबर 2022 तक SR अस्पताल चिखली के परिसर में निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया जिसमें कई जांचें भी बहुत ही कम दरों पे की गई और आज 15 नवंबर को एक स्पेशल शिविर था जिसमें क्षेत्रवासियों के लिए जो महिलाएं हैं, जो युवतियां हैं और इस प्रकार का एक विशेष स्त्रियों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। क्षेत्र की जनता ने इस 15 दिनों में शिविर का भरपूर लाभ उठाया और बहुत ही संख्या में सोनोग्राफी कराई, एक्सरे कराया, खून पेशाब की जांच कराई। आज का यह जो शिविर है यह पहला जानी जो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है एवं SR अस्पताल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया है। आज यह शिविर में जो निसंतान दंपत्ति हैं जिन्हें बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं उन्हें पहला जानी सेंटर के जो विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर हैं, वह निशुल्क परामर्श प्रदान कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा रहा है शिविर। मैं क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं प्रेस के मित्रों को, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वेब जो पोर्टल है, उन सभी पत्रकार बंधुओं को, मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने इस कार्यक्रम को, इस निशुल्क जो चिकित्सा शिविर है इसका प्रचार प्रसार किया और अपने वेब पोर्टल में, अपने समाचार पत्रों में और न्यूज़ चैनलों में स्थान दिया। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत दिल से आभारी हूँ। साथ में वे लोग जो SR अस्पताल पे अपना विश्वास जताए, इस
निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में अस्पताल परिसर में आए और लाभ प्राप्त किए, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने SR हॉस्पिटल के प्रति विश्वास जताया। क्षेत्र की जनता को यह बताना चाहूँगा कि SR अस्पताल सदैव आपकी सेवाओं में तत्पर रहता है। भविष्य में भी हम इस प्रकार के जो है कैंप, निःशुल्क कैंप क्षेत्र की जनता के लिए आयोजित करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला जानी IBF सेंटर में पदस्थ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता चंद्र वर्मा ने निसंतान दंपतियों के लिए आयोजित शिविर को लेकर जानकारी दी। जी, मैं डॉक्टर नमिता चंद्र वर्मा पहला जानी IVF में कंसल्टेंट इनफर्टिलिटी एंड IVF स्पेशलिस्ट हूँ। हमने SR हॉस्पिटल में एक शिविर रखा था जिसमें बहुत सारी महिलाएं आके अपनी परेशानियों को हमसे शेयर किया, उनकी परेशानियां हमने सॉल्व भी किया। बहुत सारे लोगों ने रजिस्टर भी कराया है कि हमें ट्रीटमेंट चाहिए। और किस तरह का शिविर था, कितने लोग आए, किस तरह महिलाओं में जागरूकता के लिए किस तरह का आप लोगों द्वारा कार्यक्रम चलाया जाए? मेरे पास जनरली ऐसी ही महिलाएं आई हैं जिनको बच्चे नहीं हो पाए हैं, जिनको 8 साल हो गया, किसी को 5 साल हुआ है और एक बार भी कंसीव नहीं हुआ। ऐसे भी पेशेंट आए हैं जिनके पास जिनकी बच्चे रुक ही नहीं रहे हैं, जिनमें 3 abortion 4 abortion ऐसे पेशेंट्स आए हैं जिनको ज़रूरत है, जिनको प्रॉपरली कंसल्टेशन का ज़रूरत है। ऐसे पेशेंट्स मेरे पास आए और उनकी परेशानियां मैंने सॉल्व की है, कुछ एडवाइस किया है। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली में पदस्थ स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्वेता रानी ने शिविर को लेकर जानकारी दी। जी मैम, नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ SR हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। अभी छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर हमारे यहाँ निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया था, जिसके अंतर्गत हम जन समुदाय को कम से कम दरों में सेवा उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे थे। हमारे यहाँ यह शिविर 1 तारीख से 15 नवंबर तक सुचारू रूप से चल रहा था। आज शिविर के समापन दिवस के अवसर पर हमने IVF सेंटर पहला जानी IVF सेंटर के साथ कोलैबोरेशन में महिलाओं के लिए, स्पेशली जिनकी संतानें नहीं है या वो निसंतानता से या बांझपन से पीड़ित हैं, उनके लिए हमने एक निशुल्क परामर्श शिविर का आयोजन किया गया था, जिसके अंतर्गत काफ़ी महिलाओं ने आकर हमसे परामर्श लिया और उन्हें इस सुविधा का अवसर उठाने का मौका मिला। धन्यवाद। गौरतलब है कि SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली द्वारा समय समय पर विभिन्न शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें विशेषज्ञों डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं प्रदान की जाती है। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर अस्पताल प्रबंधन द्वारा विशेष पहल करते हुए निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया था, जिसमें अनेकों मरीज लाभान्वित हुए। प्रबंधन ने कहा कि लोगों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए अस्पताल द्वारा लगातार जनहित से जुड़ा यह कार्य किया जाता रहेगा। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर बड़ा हमला बोलते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश की महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण मंत्री अनिला भेड़िया ने पूछे सवाल। मंत्री अनिला ने पूछा, छत्तीसगढ़ में किसके लिए हुंकार भरने आए थे? गैस, तेल, डीजल, पेट्रोल की कीमत को इतना बढ़ा दिए हो, उसके बारे में क्यों कुछ नहीं बोलते? महिलाओं का किचन का बजट केंद्र की सरकार ने बिगाड़ कर रख दिया है, उस पर क्यों नहीं बोलते? मंत्री भेड़िया ने आगे बड़ा बयान देते हुए कहा कि खुद भाजपा के लोग कहते हैं कि अगले बार हमारी नहीं कांग्रेस की सरकार बनेगी। स्मृति ईरानी अपनी गलती छुपाने यहाँ आ जाती है, अपने संसदीय क्षेत्र में जाना चाहिए। आकर के कई तरह की वो यहाँ पर बातें करती है, और उस समय जो गैस सिलेंडर के दाम को लेकर के उन्होंने खुद आवाज़ उठाया था, आज वो यहाँ आने के बाद भी इस तरह की ऐसे नहीं करी, तो इसके क्या नहीं? वही तो हमारे छत्तीसगढ़ के आप जैसे पत्रकार भाइयों को पूछना चाहिए था, यहाँ किसके लिए हुंकार करने आए हो? महिलाओं की जो घर गृहस्थी उनकी किचन की जो कीमत है, आज खाने की तेल की कीमत है, गैस की कीमत है, मसाला मिर्ची की, अनाज की, सब्जी भाजी सबकी तो कीमत इतने बढ़ा दी हो, डीजल पेट्रोल की कीमत इतने, उसके बारे में क्यों नहीं बोलती? वो किस लिए यहाँ आई थी, किसके लिए हुंकार करने आई थी? कम से कम हमारी छत्तीसगढ़ के महिलाओं को पूछना था, हमारे गैस सिलेंडर का दाम कम कर दोगे क्या है, हमारे खाने के तेल के दाम कम कर दोगे क्या, ये पूछना था उनसे। और वो यहाँ आके मेरे को तो लगता है पत्रकार भाइयों सबके सामना भी नहीं करना चाहती है, वो
वो तो ऐसे भागती है वो, क्योंकि अपनी गलती छुपाना चाहती है वो। यहाँ हमारी छत्तीसगढ़ सरकार आज गरीबों का, विद्यार्थियों का, किसानों का और व्यापारियों का, हर लोगों का समस्या का समाधान करते हुए उनकी आवश्यकता और ज़रूरत के अनुसार घोषणा कर रहे हैं और हमारे छत्तीसगढ़ का विकास करें और नवा छत्तीसगढ़ जो आज परिलक्षित हो रहा है हमारे यहाँ पे राज्य में वो दिख रहा है। इसमें हकीकत जो सामने है उसको नकारा नहीं जा सकता है। खुद भाजपा वाले बोलते हैं कि हमारी सरकार फिर कांग्रेस की सरकार अगले बार बनेगी, तो वो स्मृति ईरानी क्या है, अपनी गलती छुपाने के लिए यहाँ आ जाती हूँ, यूपी में जाना चाहिए ना उनको। ग्रैंड न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ, खबरें और भी है, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury-packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Barat Swagat, including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate, and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire, and exclusive DJ beats for extreme fun, and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमन देव जी को प्रणाम, परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल नागपुर मानव धर्म का भव्य सेवक सम्मेलन उद्देश्य, मानव जीवन में भगवत कृपा से अंधश्रद्धा, दुष्ट बुद्धि, बुरे व्यसन, सामाजिक बुराइयां एवं कुप्रथाओं से मुक्ति, जाति भेद नष्ट करना, भ्रूण हत्या निर्मूलन, आपसी लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, चोरी करना बंद करना, परिवार में सत्य मर्यादा प्रेम का पालन करना, मानवता पूर्वक आचरण व्यवहार करना। रविवार दिनांक 27 नवंबर 2022 स्थल आरके क्रिकेट मैदान सुपेला थाना के पीछे भिलाई, सौजन्य परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल नागपुर अंतर्गत सेवक सेविका एक छत्तीसगढ़ परिक्षेत्र।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भिलाई के दक्षिण गंगोत्री मार्केट स्थित एक दुकान के 3 मंजिले से गिरने से एक श्रमिक की मौत। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर सुपेला थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा अपने स्टाफ के साथ घटना स्थल पहुंचे। फौरन घायल श्रमिक को अस्पताल भिजवाया गया, लेकिन चोट इतनी गंभीर थी कि घटना स्थल पर ही श्रमिक की मौत हो चुकी थी। ये दक्षिण गंगोत्री के पास की घटना है। आसाम की एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति छत से गिर गया है, जो गिरने के बाद में गंभीर रूप से दुर्घटनाकारी होने के बाद खत्म हो गया है। पता करने पर पता चला कि उस व्यक्ति का नाम अनुज विश्वकर्मा है, जो कि जुनवानी के पास में रहता है और रियलमी मोबाइल की दुकान है वहाँ पर। उसके ऊपर पे कोई खाली दुकान थी, वहाँ साफ सफाई का कोई काम कर रहा था, जिस टाइम पे वो अज्ञात कारणों से वहाँ से गिर गया और गिरने के बाद में फौत हो गया। मर कायम करके विवेचना की जा रही है। मंत्री अनिल भेड़िया ने कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को दी बड़ी सौगात। आने वाले सत्र में बालोद जिले के दलीराजरा नगर स्थित शासकीय नेमी चंद जैन महाविद्यालय में MSc रसायन शास्त्र BSc सब्जेक्ट चालू करने व नवीन कंप्यूटर बनाने की घोषणा की है। दरअसल बाल दिवस के अवसर पर बालोद जिले के दलीराजरा नगर स्थित शासकीय नेमी चंद जैन महाविद्यालय में प्रतिभावान छात्रों का सम्मान एवं आज से ब्यूटी पार्लर नवीन कोर्स प्रारंभ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री व क्षेत्रीय विधायक अनिला भेड़िया सहित नगर के गणमान्य नागरिक व कॉलेज के छात्र छात्राएं मौजूद रहे। मंत्री के हाथों विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कॉलेज के प्रतिभावान छात्रों को प्रस्ति पत्र व मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मंत्री ने जनभागीदारी समिति की मांग पर कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को बड़ी सौगात देते हुए आने वाले सत्र में MSc रसायन शास्त्र BCA सब्जेक्ट चालू करने व नवीन कंप्यूटर कक्ष के साथ साथ 10 नई कंप्यूटर देने की घोषणा की। अच्छा, आज मैं पहली बार हमारे दल्ली राजा महाविद्यालय में बच्चों के आमंत्रण स्वीकार की और पहुंची। बहुत अच्छा कार्यक्रम था, बच्चे लोगों का सम्मान समारोह था, जो अपने अपने सब्जेक्ट में क्लास में अच्छे नंबर से पास हुए, फर्स्ट सेकंड वाले हैं और कुछ खेल में अच्छा प्रदर्शन से उन लोगों को गोल्ड मेडल मिला है उन लोगों को। और कुछ मैं यहाँ पे कंप्यूटर 10 कंप्यूटर दी थी, तो उस कंप्यूटर कक्ष का भी उद्घाटन और अल्पकालीन जैसे ब्यूटिशियन है और आपके कंप्यूटर का क्लास है, तो ऐसे उद्घाटन की हूँ। तो और आज मैं कॉलेज के बच्चों की मांग थी कि कंप्यूटर कक्ष जो बहुत अभी छोटा है, तो हमें बड़ा कक्ष चाहिए, तो बड़ा कक्ष का आज मैं घोषणा करती हूँ। और कुछ हमारे 10 नग कंप्यूटर की भी बात है, MSc रसायन शास्त्र की भी आज घोषणा, BCA की भी आज घोषणा हुआ है और अगले सत्र में ये सब क्लासेस चालू हो जाएंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। प्रदेश के भूपेश बघेल की सरकार के द्वारा आदिवासी समाज के आरक्षण में किए गए कटौती के विरोध में दुर्ग के पटेल चौक में जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदेश नेतृत्व के दिशा निर्देश अनुसार समस्त जिला मुख्यालय में 15 नवंबर को आदिवासी समाज के द्वारा आरक्षण में कटौती किए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इसी कड़ी में दुर्ग जिले के पटेल चौक में विरोध प्रदर्शन कर आदिवासी समाज के द्वारा भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए आदिवासी समाज के आरक्षण को बढ़ाने की मांग की गई। गौरतलब है कि प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार के द्वारा 32% आदिवासी समाज के आरक्षण को कटौती करते हुए उसे 20% कर दिया गया है, जिसे सीधे तौर पर समाज के अहित में समझा जा रहा है, जिसे लेकर आदिवासी समाज में आक्रोश है। आक्रोशित समाज के लोगों ने पटेल चौक दुर्ग में हंगामा करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान समाज के लोगों में और पुलिस के बीच वाद विवाद के साथ झूमाझटकी भी हुई और अंततः पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को उनके मंसूबों में कामयाब नहीं होने दिया। प्रदर्शन को लेकर जिला अध्यक्ष अविनाश मरकाम, उपाध्यक्ष तामेश्वरी ठाकुर ने बताया कि सरकार के द्वारा अपने फैसले पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो आगामी दिनों में ना तो भूपेश बघेल की सरकार रहेगी और ना ही BJP की सरकार रहेगी। आदिवासी समाज के द्वारा आदिवासी सरकार बनाने पर जोर दिया जाएगा। और सरकार अभी तक सत्र नहीं लाए, आप कितना गंभीर है सरकार और विपक्ष कितना गंभीर है, इस चीज़ से आप समझ सकते हैं, आप सभी मीडिया कर्मचारी जो भाई हैं हमारे साथी, कि सरकार कितना गंभीर दिख रही है इस आरक्षण को। और ये हमारा मांग नहीं है,
जब वाजिब था, जब प्रदेश अलग हुआ मध्य प्रदेश से, तब आपको रोस्टर प्रणाली नया बनाना था। चूँकि 2005 में नया जब उस कमेटी ने बनाया, और उस 2005 में जब हमारा 2001 की जनगणना के अनुसार 32% मिलना था, वो भी हमको नहीं मिला। और समाज 10 साल से लड़ा, तब जाके 2012 में सरकार को, जो भाजपा की सरकार थी उस समय, उसको देना पड़ा 32% आरक्षण हमको, क्योंकि हम 10 साल से लड़ाई लड़े थे। और उसके बाद स्थिति आज फिर वही आ गई है कि फिर हमारा आरक्षण जीरो हो गया है। कहने के लिए एक प्रदेश जो है आदिवासी बहुल प्रदेश है, इस प्रदेश में हमारा 60 से 65% जो भौगोलिक हमारी ज़मीनें हैं, भौगोलिक हमारी 5वीं 6वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। मांगे पूरी होगी तो इससे ज़्यादा भी होगा, और सरकार भी बदलेंगे, और अब सरकार आदिवासी सरकार बनाएंगे। हम भाजपा कांग्रेस से बहुत हो गया, त्रस्त हो गया समाज। मेरा नाम अविनाश मरकाम है, मैं जिला अध्यक्ष दुर्ग से, सर्वाधिक समाज युवा प्रभार। मांग नहीं, हमारा तो हक ही है, उनको अभी तक गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रहे हैं या करना नहीं चाह रहे हैं, देंगे ना, इसलिए हम लोग को बार बार ये धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। सरकार ने इस मामले में कमेटी बैठाई है, क्या कहना है? अभी तक तो बैठा के उन लोग पता नहीं क्या किए हैं, हम लोग के तक तो, आदिवासी समाज के तक तो कोई खबर अभी तक आया नहीं है। अगर आपका हक पूरा नहीं होता है तो आप आगे क्या क्या रणनीति रहेगी आपकी? अभी अब जैसे कि हमारी मांग अभी तक जैसे हमारी नहीं सुन रहे हैं, तो इससे और उग्र होगा और आने वाले समय के लिए उनके लिए घातक है। अपना नाम बताइए। मैं सर्वाधिक समाज की उपाध्यक्ष तामेश्वरी ठाकुर, छत्तीसगढ़ से। वही नगर पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर ने बताया कि प्रदर्शनकारियों की आने की सूचना उन्हें पहले ही थी, इसलिए चौक चौराहों पर व्यवस्था उचित तौर पर की गई थी। कुछ लोग जो है सर्वाधिवासी समाज के जो इकट्ठा हुए थे, वो अपनी मांग के साथ यहाँ पर आए हुए थे, तो उन्हें उनके द्वारा हमें भी ये चीज़ ज्ञात थी कि वो आने वाले हैं, तो उसके बेसिस पर यहाँ पर SDM साहब और जो तहसीलदार साहब हैं उनको बुलाकर यहाँ पर ज्ञापन दिया गया। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। वक्फ बोर्ड के संपत्ति के दावों को लेकर देश भर में कई विवाद हुए हैं। अब इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ का नाम भी जुड़ गया है। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने दुर्ग शहर के सैकड़ों एकड़ जमीन पर अपने स्वामित्व को लेकर दावा किया है। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने दुर्ग शहर के सैकड़ों एकड़ जमीन पर अपने स्वामित्व को लेकर दावा किया है। आज बड़ी संख्या में शहरवासी तहसील कार्यालय पहुंचे। दरअसल पिछले दिनों छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के द्वारा तहसील दुर्ग के आधिपत्य में एक इश्तेहार दिया गया था, जिसमें बताया गया था कि दुर्ग शहर की कई जमीनों पर वर्क बोर्ड का अधिकार है। आपको बता दें कि इन जमीनों पर कई सालों से लोग निवास कर रहे हैं, यह उनकी निजी जमीन है जिन पर उनके घर बने हुए हैं और कई पीढ़ियां बीत गई हैं। आज भी वह इसी जमीनों पर निवास कर रहे हैं। वहाँ वो तो लगभग 300-400 साल से वहाँ रह रहे हैं, और नजूल का पट्टा देख लेंगे तो नजूल के पट्टे में हमारे बाप का नाम, फिर दादा का नाम, परदादा का नाम, ऐसे चले आ रहा है। जमीन जो है नजूल के पट्टे में, नजूल किसी की जैसे नजूल पट्टे में है वहाँ पे, और अगर किसी की जमीन लगानी भूमि है तो उनका रोनीपूसी का है उनके पास में, तो इन सब चीजों को दरकिनार करके किस टाइप से यहाँ पे व्यवस्था ये की जा सकती है, अगर कौन से अधिनियम के तहत ये काम किया जा रहा है। आज प्रारंभिक आपत्ति मेरे द्वारा की जा रही है, और प्रारंभिक मैं द्रोण ताम्र का एडवोकेट, प्रारंभिक आपत्ति मेरे द्वारा की जा रही है, और प्रारंभिक आपत्ति करके मैं कागज लूंगा, कागज लेने के बाद उसमें सबकी तरफ से एक संपूर्ण आपत्ति बना करके पेश करेंगे, और इस केस को हम लड़ेंगे और भगवान बजरंग बली कृपा से जीतेंगे। भूमिका रहेगी, जमीन बताई जा रही है कि वक्फ बोर्ड की, ये वक्फ बोर्ड जो समझ रहा है कि ये भस्मासुर कानून उसका लागू हो जाएगा, तो ऐसा कानून तो हिंदू समाज में हम लागू होने नहीं देंगे, इसका बजरंगी पूर्णतः विरोध करेगा। अभी ये शांतिपूर्ण विरोध है हिंदू समाज का। बजरंगी जिस समय अपने उग्र रूप में आएगा, वो अपना उग्र रूप दिखाएगा, शासन प्रशासन दोनों हिल जाएगा। हम चाहते नहीं है कि बजरंगी अपने रूप में आए, सही ढंग से वक्त बोर्ड को समझा दें और वक्त बोर्ड अपने तरीके से समझ जाए, उसके कहने से यहाँ की जमीन उसकी नहीं हो सकती। हिंदू समाज के किसी भी, वो तो बहुत सारे जमीनों को बोल रहा है, हम दावा करते हैं एक इंच जमीन भी वक्त बोर्ड को देने नहीं देंगे, जब तक हिंदू समाज के साथ बजरंगी खड़ा है एक इंच जमीन हम उस तक जाने नहीं देंगे। रामलोचन तिवारी, बजरंग दल विभाग सह संयोजक। ग्रैंड न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।